No one is perfect, and so I am. I've been struggling with the art of calligraphy, but have never become the perfect one. So here I am with simple ways and means to get closer to this art. Hi everyone, I hope you all are doing good. So in today's tutorial, I'm going to show you 7 simple ways to do tracing on any surface. I have been using these tricks from such a long time, or isme se I'm going to show you all the tricks which I use to make these beautiful boards or ye wall hangings, kitchen hangings, on cushion. And I have been using these tricks on my projects and they come out so well. So let's begin the video. So the first thing we are going to do is take out the prints. तो printer में मेरे पास Epson का ये inkjet printer, इसमें ये सारे quotes मैंने लिए हैं Pinterest से. So ये designs आप कहीं से भी ले सकते हैं, Google में everything is available. और उसके बाद हम करते हैं tracing. So tracing में the first tracing we are going to learn is this reverse or mirror image printing. So इस वाली ट्रिक में आपको क्या करना है कि आपको रिवर्स या फिर मिरर इमेज आपको प्रिंट निकालना है. प्रिंट निकालने के बाद हमें इसे उल्टा स्टिक करना है, लाइक जहाँ पर प्रिंट हो रखा है वो वाली साइड हमें नीचे स्टिक करनी है अपने सरफेस पे. तो इसको स्टिक करने के लिए वी आर गोइंग टू टेक दिस ग्लूज. आई एम स्पेसिफिकली टेकिंग दिस मॉड पॉज ग्लू. सेम वे से हम फोटो ट्रांसफ़र भी करते हैं, तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में सिखाऊंगी कैसे करते हैं. सो इस तरह से आप इसे स्टिक कीजिए अपने कोई भी सरफेस पे एंड देन यू लीव इट टू ड्राई. वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई, उसके बाद आपको इसके ऊपर पानी लगाना है. पानी लगाने के बाद आप उसे पानी लगाइए और उसको पहले आप छोड़ दीजिए. छोड़ने के बाद जितना भी पानी होगा वो सोक कर लेगा पेपर उसको एक बार सोक कर ले. उसके बाद यू कैन टेक एनी क्लॉथ, और क्लॉथ से ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा उसमें वाटर लगा है वो निकाल दीजिए. जो गीला पेपर है उसको आप धीरे धीरे निकालने की कोशिश कीजिए. आप उसके हाथ से बहुत ज़ोर से उसको प्रेस नहीं करना है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं करना है. आप उसे इस तरह से कीजिए कि वो बस ऊपर का पेपर धीरे 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 करके निकलता जाए, एंड आप देखेंगे कि नीचे का जितना भी प्रिंट है वो आपको दिखने लग जाएगा. एजेस स्पेशली जहाँ पर बिल्कुल कोनों कोनों में अच्छे से हाथ से धीरे धीरे आप पेपर निकालिए. अब इसमें काफ़ी बार जब हम रब करते हैं तो हमारा प्रिंट है वो भी निकल आता है. नेवर माइंड, डोंट वरी, बिकॉज एज सच ऊपर से हम उसको एक्रेलिक कलर से करेक्ट करेंगे ही. सो डोंट वरी अबाउट दैट कि उसका थोड़ा सा पेपर या प्रिंट निकल गया है. एंड सेम वे मैंने एक और प्रोजेक्ट बनाया था. ये कीचेन मेरा कुछ 2-3 साल पुराना है एंड अभी तक ये कीचेन मेरे घर पे लगा हुआ है. अनदर वे ऑफ ट्रेसिंग इज़ विद चॉक. हम सब के पास चॉक होता है एंड हेलो फ्रॉम इवान साइड. सो नेक्स्ट हम करेंगे इसको चॉक से ट्रेस. सो दिस इज़ द मोस्ट ईजी वे. ये मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगता है. इसमें आपने कोई भी पेपर लेना है जिसको भी आपको ट्रेस करना है, उसके बाद इसके नीचे आपने इस तरह से चॉक लगा देना है. उसके बाद चॉक को आप थोड़ा सा झाड़िए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो वो आपकी सर्फेस में स्टिक हो जाएगा. उसके बाद सेकेंड स्टेप इज़ दिस कि आपको हमेशा अपने जो पेपर है वो अपने सर्फेस पर स्टिक करना है, नहीं तो आपका पेपर मूव हो जाएगा और फिर आपका ट्रेसिंग एकदम करेक्ट नहीं आएगा. तो इस तरह से आप धीरे धीरे ट्रेसिंग कीजिए एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा. नाउ इट्स रिवीलिंग टाइम, सो लेट्स सी ये कैसा दिखता है. एंड एब्सोल्युटली फ्लॉलेस. ये काफ़ी अच्छा ट्रिक लगता है मुझे. इसमें हमारा जो सरफेस है वो ख़राब भी नहीं होता है बिकॉज चॉक ईजिली रिमूव हो जाता है. एंड देन यू कैन हाईलाइट योर कोट्स विद एनी कलर यू हैव. एंड लास्ट में आप इसको अच्छे से एक कपड़े से हटा दीजिए तो आपका चॉक भी हट जाता है एंड आपके कोट्स बहुत निखर के एंड काफ़ी ब्यूटीफुल दिखते हैं. Another way of tracing is with pencil. This is the most simple way. ये हम बचपन में बहुत करते थे. एक रुपये का 2 रुपये का सिक्का लेके हम इसको पेंसिल से हम ट्रेस करते थे, इफ़ यू रिमेंबर. सो सेम वे हमें करना है. हमें कोई भी प्रिंट आउट निकालना है जहाँ से भी हमें ट्रेस करना है, उसकी बैक साइड पे हमें इस तरह से पेंसिल को पूरा कर देना है कवर. नाउ हियर यू हैव टू नोटिस वन थिंग दैट आपको पेंसिल को पकड़ना है 180 डिग्रीज पे, थोड़ा सा वो टिल्टेड होना चाहिए. उसके बाद आप पीछे कोट्स को पूरा पेंसिल से कवर कर दीजिए. पेंसिल से कवर करने के बाद अगेन सेम थिंग यू हैव टू फॉलो. आप प्लेस कीजिए अपना पेपर जहाँ पर भी आपको कोट्स लिखने हैं. उसके बाद आप उसको साइड में स्टिक कर दीजिए. स्टिक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट योर पेपर डजंट मूव एंड आपके कोट्स ऊपर नीचे ना हो जाए. पेंसिल के साथ यू हैव टू रिमेंबर इज़ दैट थोड़ा सा आपको गड़ा के और डार्क लिखना पड़ेगा बिकॉज पेंसिल का ट्रेसिंग इतना ज़्यादा शो नहीं होता है. एज यू कैन सी ये कैमरे में इतना नहीं दिख रहा है, बट फेस टू फेस यू कैन ईजिली मेक आउट कि यहाँ क्या लिखा हुआ है. एंड इसके बाद हम इसको कलर कर देंगे। ऑलवेज़ रिमेंबर, जब भी हम अपने कोट्स को या कोई भी चीज़ को फाइनल करते हैं, जो आपके ओरिजिनल कोट्स हैं आप उनको अपने सामने रख लीजिए सो दैट यू कैन सी कहीं पर भी अगर आपका मिस्टेक हुआ है या ट्रेसिंग ढंग से नहीं हुई है सो यू कैन ईजिली सी एंड काफ़ी हद तक आप वैसा सेम कोट्स बना सकते हैं। एंड एज यू कैन सी ये दोनों प्रोजेक्ट्स को भी मैंने सेम मेथड से बनाया है। अनदर सुपर सिंपल एंड ईजी वे इज़ दिस कार्बन पेपर के साथ ट्रेसिंग करना। हम सब ये बचपन से करते आ रहे हैं एंड कभी हम नोटिस नहीं करते कि हम ये चीज़ों को यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगेन आई एम गोइंग टू टेक दिस कार्बन पेपर और इसको हम एग्जैक्टली अपने पेपर के नीचे प्लेस कर देंगे। इसको प्लेस करने के बाद साइड में हम इस पर टेप लगाएंगे एंड देन विल स्टार्ट ट्रेसिंग इट। इसका ट्रेसिंग काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है एंड काफ़ी बार ये होता है कि हम अगर गलती से कहीं और टच कर दें तो हमारे सरफेस में भी वो ब्लू ब्लू सा और ब्लैक ब्लैक सा आ जाता है। तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से ट्रेस करना है और देखते हैं ये कैसा दिखता है। सो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड डार्क है। अब काफ़ी बार क्या होता है कि जो ट्रेसिंग हुई नहीं होती है सो वी कैन ऑलवेज कीप अ ओरिजिनल कॉपी इन फ्रंट ऑफ अस और फिर हम ट्रेसिंग को कंप्लीट करके वी कैन फिनिश आवर प्रोजेक्ट्स लाइक दिस। Another super simple and easy way is this with tracing paper. आप tracing paper ले सकते हैं, आप butter paper ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर butter paper लिया है। सेम ऐसा ही होता है, tracing paper इससे थोड़ा सा और पतला होता है और वो थोड़ा paper जैसा होता है। butter paper थोड़ा सा मोटा होता है। तो tracing paper या butter paper में हमें बेसिकली क्या करना है, ये पीछे से नहीं होगा, ये ऊपर से होगा। अब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसका हम प्रिंट आउट नहीं ले सकते और हमें बहुत पसंद आती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें tracing paper या butter पेपर से हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, वो कोट्स को या ड्राइंग को या पेंटिंग को, और उसके बाद हम अपनी सरफेस में उसको कुछ इस तरह से हम अपने ट्रेसिंग पेपर में ट्रेस कर सकते हैं। जब भी हम ट्रेस करें ट्राई करना कि बहुत डार्क कलर से करें ताकि हमें ईजिली वो नज़र आ जाए। उसके बाद हम ट्रेसिंग पेपर से सरफेस में कैसे ट्रेस करेंगे, सेम वो 3 वेज़ हम लेंगे। फर्स्ट इज़ चॉक, आप चॉक से कर सकते हो, आप पेंसिल से कर सकते हो, आप कार्बन पेपर से कर सकते हो, कोई भी वे से आप इसे ट्रेस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिया है कार्बन पेपर। कार्बन पेपर की हेल्प से अगेन साइड में आप टेप स्टिक कीजिए एंड देन आप लिखिए एंड देन यू कैन सी काफ़ी इजी है ये वाला वे। कार्बन पेपर मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगी बिकॉज उसमें क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट्स में वो कार्बन पेपर का लाइंस आ जाती है, देन अगेन एंड अगेन यू हैव टू कलर इट और उसको रिमूव करना पड़ता है। तो आई प्रेफर चॉक वाला। चॉक वाला भी हम हर सरफेस पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। पेंसिल वाला इज़ रियली ईजी। तो मुझे पेंसिल की ट्रिक काफ़ी अच्छी लगी और बिकॉज यू कैन सी यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा वो ब्लू कलर आ जाता है, वाइट में इधर उधर लग गया था। सो यू कैन ऑलवेज रीपेंट योर प्रोजेक्ट्स एज यू कैन सी हियर बिकॉज दैट कलर इज़ टू डार्क, तो वो अभी भी लाइट नहीं हुआ है। एंड देन यू कैन ऑलवेज हाईलाइट योर प्रोजेक्ट्स विद एनी कलर। नेक्स्ट वन इज़ माई फेवरेट, ट्रेसिंग विद फ़ोन और टैबलेट। ये मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ बिकॉज़ हर बार हमारे पास प्रिंटर नहीं होता है, कोई चीज़ का प्रिंट आउट आप नहीं निकाल सकते। तो ये वाली ट्रिक मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसमें मैं क्या करती हूँ, अपने टैबलेट या अपने फ़ोन पे मुझे जो भी कोट्स चाहिए होते हैं उनको मैं निकाल लेती हूँ और जितना बड़ा मुझे चाहिए मैं उतना उसको कर लेती हूँ। समथिंग लाइक दिस, जैसे मैं यहाँ ट्रेस कर रही हूँ। अब इसमें एक ट्रिक ये है कि आपको अपनी स्मॉल फिंगर या कोई भी फिंगर आपको स्क्रीन में टच नहीं करना है, आपको अपना हाथ थोड़ा सा हवा में रख के ही आपको ट्रेस करना है। अगर आप जहाँ भी स्क्रीन में टच करोगे तो वो आपका नीचे वाला जो स्क्रीन है वो मूव कर जाएगी। सो दैट इज़ अ ट्रिक आई फॉलो। ये मुझे काफ़ी ईजी लगता है। इसमें फटाफट आप ट्रेस करके विदाउट वेस्टिंग एनी सोर्सेज, यू नो, पेपर नहीं निकालना, प्रिंटर नहीं निकालना, तो ये मुझे काफ़ी ईजी लगता है। और अगेन इसमें मैं पेंसिल वाला ट्रिक आपको करके दिखा रही हूँ। एंड देन यू कैन ट्रेस योर कोट्स समथिंग लाइक दिस। अब आपने यहाँ देखा होगा कि बिल्कुल परफेक्ट हमारे कोट्स कभी भी नहीं आते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, आपके जो भी ओरिजिनल कोट्स हैं आप उनको अपने सामने रखिए और बिल्कुल आप वैसा ही ट्रेस करने की कोशिश कीजिए। एंड दिस इज़ हाउ आई ट्रेस मोस्ट ऑफ माई कोट्स। अनदर सुपर सिंपल वे इज़ विद स्टेंसिल्स। काफ़ी बार हमारे पास स्टेंसिल होते हैं बट हमें उसमें टेक्सचर पेस्ट नहीं करना है या हमें ऊपर से स्टेंसिलिंग नहीं करनी है, तो जनरली मैं ये वाली ट्रिक भी फॉलो करती हूँ जो मुझे काफ़ी ईजी लगती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यू डोंट रियली हैव टू गो विद द स्टेंसिल डिज़ाइन। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने स्टेंसिल को साइड से टेप किया एंड देन आई एम राइटिंग वेलकम टू आवर नेस्ट। सो ये हमारे ऊपर है कि हम इसे किस तरह से ट्रेस करें। मुझे एग्जैक्टली अगर ऐसा नहीं चाहिए तो मैं नेस्ट को थोड़ा सा शिफ्ट भी कर सकती हूँ। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी सिंपल वे यू कैन ट्रेस योर कोट्स। So these are the 7 ways we can trace any quotes on any surface। इसमें से सबसे ज़्यादा जो मैं फॉलो करती हूँ वो करती हूँ ट्रेसिंग विद टैबलेट और फ़ोन, और इसके अलावा मैं पेंसिल वाली ट्रिक भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सो यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ देम एंड डू लेट मी नो विच वन यू लाइक द मोस्ट एंड विच वन इज़ द मोस्ट ईजी वन फॉर यू। एंड अगर आप ये ट्राई करेंगे ट्रिक, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। एंड मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।